अब हम आगे देखते हैं, मूली में कीटों द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा इसमें परागण होता है, पॉलिनेशन होता है। मूली में तीखेपन या फिर चरपराहट का कारण क्या है? मूली में तीखेपन या फिर चरपराहट का कारण क्या है? शेनिग्रीन है। क्या है? शेनिग्रीन है। मूली में महक का कारण क्या है? आइसोथायोसाइनेट। मूली के महक का कारण क्या है? आइसोथायोसाइनेट। मूली की फसल के लिए तापमान कितना आवश्यक होता है? मूली की फसल के लिए तापमान चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। मूली के प्रमुख कीट क्या हैं? सरसों की आरा मक्खी, पेंटेड बग, ये दो ऐसे इंसेक्ट हैं जो मूली के मेन इंसेक्ट हैं। अब देखते हैं मूली में ब्राउन हार्ट किसकी कमी से होता है? तो बोरान की कमी से होता है। मूली की जड़ों को बीज उत्पादन हेतु तैयार करने का जो सिस्टम है, जो मेथड है, उसे क्या कहते हैं? स्केटलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केटलिंग कहते हैं। पिथिनेश क्या है? पिथिनेश नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। मूली में पिथिनेश होता है किसकी अधिकता से? नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। वेराइटीज ऑफ रेडिस, जो मूली की वेराइटीज हैं हम देखेंगे, पूसा हिमानी, पूसा चेरी वेली, मतलब कि राउंड चेरी वेली, अर्का निशांत, स्कारलेट ग्लोब, वाइट इशिल, जापानीज वाइट, कल्याणपुर वाइट, पूसा चेतकी, पूसा सफ़ेद और पूसा रश्मि। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दे रखा है पूसा हिमानी, ये पूरे वर्ष भर उगाई जा सकती है। पूरे वर्ष भर उगाने वाली वेराइटी कौन सी है? पूसा हिमानी। राउंड चेरी बेली, ये लाल रंग वाली वेराइटी है। मूली की लाल रंग वाली वेराइटी कौन सी है? राउंड चेरी बेली। जापानीज वाइट, ये अक्टूबर व नवंबर में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? अक्टूबर व नवंबर में। पूसा चेतकी, ये मार्च से अगस्त तक बोते हैं। कब बोते हैं? मार्च से अगस्त तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।